तारे लाई बाड़े माजी तारे लाई बाड़े किले दीनी होलो माजी ताडाड़ियो कपारे किले दीनी होलो माजी ताडाड़ियो कपारे गासे काटे कोरो माजी गासे काटे कोरो जाने बुझे करे माजी तेने मेरो बोरो। सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ प्रांजलि राणा, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे मुल्क मेरे पहाड़ पे। तो कैसे आप लोग, आई होप कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो आज की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने प्यारे से घर से और अपने खूबसूरत गांव जगोर से। तो अभी है सुबह का टाइम और मौसम हल्का हल्का बदल रखा है और अभी हल्की धूप भी लग रखी है, पर धूप पे बादल लग रखे हैं। तो हमारे छत से हमारे खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है। तो अभी मेरी तैयारी हो चुकी है, खेत में गुड़ाई करने के लिए जाना है। और यहाँ पे तुमड़े देखे कपड़े धो रहे, एक सीधा कपड़ा धोने दो, कपड़ा धोना ना थे, कपड़ा धोना ना थे, और क्या क्या है, खाली झोलने कपड़ा बोलता नहीं, झोल वाला पानी नहीं। तो देखे कपड़े धो रहे है। ओ जी, आज हमारे साथ आज हम दगड़े आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं तुम? रोज रोज तुम तो सासु कहाँ जाएंगे, वो तो गुआडेंगे तो गुआनी क्या खाएंगे। कग जाना है कह दौले आना, तुम तो एक पौधा तक हो। हम यहाँ पे जा रहे हैं, अमर भी नहीं लो मोल्ठा, ये को दो ये को दो का जाना है मोल्ठा ना अब लो बड़ा। तो अभी ये वाले खेत में हमको जाना है और यहाँ का काम तो हमने कर दिया था फिनिश, लेकिन सामने पे है मंडुआ और उसको लेके जाना है हमने मोल्ठा। और यहाँ से देखिए हमारा प्यारा सा गाँव कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और अभी केदार घाटी में देख सकते हैं, आज बारिश नहीं आ रही है, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं और देखिए क्या बर्फबारी चमक रही है पहाड़ों में, ऊपर ऊपर चोटी में बर्फ़ गिरी हुई है। और देखिए आजकल चौमासे जो लगा है ना, इसमें काफ़ी मस्त नज़ारा रहता है देखने लायक। और यहाँ सामने सामने मुझे जाना है और वहाँ से लेके जाना है मंडुआ सारी लगाने के लिए। और मंडुआ का ना आज हमारा सबसे लास्ट दिन है, के बाद हाल फिलहाल तब तक खेतों का काम फिनिश हो जाएगा, यानी कि गुड़ाई वाला काम। और इसके बाद ना हम सीधे निराई करने आएंगे खेतों में। आज तो काफ़ी दिनों बाद धूप दिखाई दे रही है, ये देखिए वो भी हल्की हल्की वाली। तो दो दिन की बारिश से इतना ज़्यादा पेड़ पोस्ता टूट गए ना, क्या है बताना। और लोग देखिए आज का सारे मंडुआ सारे डालने पर लगे हुए हैं। तो ये देखिए, ये हमने ना मंडुए की कंडी रखी है पीठ पे और इसको लेके जाना है हमने मोल्ठा, क्योंकि हमने ना वहाँ दाल बो रखी थी और दाल भी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सोचा थोड़ा थोड़ा मंडुआ भी बो लेंगे, न्यार हो जाएगा। और इधर सड़क के रास्ते से होते हुए हमको जाना है और थकान कितना लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ना गीली मिट्टी है तो बहुत भारी हो रहा है। तो इधर देखिए, ये है हमारा मोल्ठा वाला खेत और यहाँ मैंने ना सिर्फ दाल ही दाल बो रखे है और दाल तो फुल बो रखे है, लेकिन जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ मैंने ना मंडुआ सारे लगाया है। और 10 बजे का टाइम हो गया है और चार ओर देखिए कितना प्यारा व्यू है। और जो आसमान पे देख सकते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बादल लगे हुए ना, आह कितना मज़ा आ रहा है देख के। देखिए
और यहाँ से देखिए हमारा प्यारा सा गांव, अभी इन पेड़ों से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो हमारे गांव की ये सीढ़ी नुमादार खेत है ना, तो देखिए कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। और अभी परमिला दीदी नीचे निकाल रही है घास और मैं अभी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। तो आज आप लोगों को मैं एक काफ़ी पुराना खुदेड़ गीत सुनाऊँगी, तो आशा करती हूँ कि ज़रूर आप लोगों को मेरा आज का ये गीत पसंद आएगा। तारे लाई बाड़े माजी, तारे लाई बाड़े किले दीनी होलो माजी, तांडियों का पारे किले दीनी होलो माजी, तांडियों का पारे घास काटी कूरू माजी, घास काटी कूरू जानी बूझ करी माजी, तीन मेरु बूरू जानी बूझ करी तीन माजी मेरु बूरू। तारे लाई बाड़े माजी, तारे लाई बाड़े किले दीनी होलो माजी, तांडियों का पारे किले दीनी होलो माजी, तांडियों का पारे साकरी दुलाणी माजी, साकरी दुलाणे बाटो में देखणो रोंदो कभी ओला बुलाणे, बाटो में देखणो रोंदो कभी ओला बुलाणे, मारती मल्याऊ माजी, मारती मल्याऊ नी जाने सरिया से मैंने ना बण कल्यो, नी जाने सरिया से मीने ना बण कल्यो, तारे लाई बाड़े माजी, तारे लाई बाड़े किले दीनी होलो माजी, तांडियों का पारे किले दीनी होलो माजी, तांडियों का पारे मारती सेंटूली माजी, मारती सेंटूली नी जादू सरिया से माजी, ना बण बेंडूली नी जादू सरिया से माजी, ना बण बेंडूली घास काटी कूरू माजी, घास काटी कूरू आँख बूझ करी माजी, तीन मेरु बूरू आँख बूझ करी माजी, तीन मेरु बूरू डडोली माजी, तेल की डडोली बाटू देख दूरालू माँ, मेरा गला लग दी बडोली बाटू देख दूरालू माँ, मेरा गला लग दी बडोली, तारी लाई बाड़े माजी, तारी लाई बाड़े किले दीनी हो।
ढोलो माजी ता डांडियो कपार कीले दीनी होलो माजी ता डांडियो कपार कीले दीनी होलो माजी ता डांडियो कपार। तो आज हमारे ना कोदा गुड़ाई का आखिरी दिन है, तो अब जाके घर में आराम करेंगे। आराम से गुड़ाई का आखिरी दिन है, अब आराम पड़ो, अब आराम पड़ो, अब आराम पड़ो, अब आराम पड़ो के कहना, अब आराम पड़ो, आराम, अब आराम से रहेंगे। आराम कहाँ यार, हमारे पहाड़ों में आराम ही नसीब नहीं है। हम पहाड़ी महिलाओं को अब पता नहीं अब कहाँ क्या काम करते हैं। अब कुछ ही दिनों बाद निराई होगी जो हमारे सिंचाई वाले खेत हैं, और उसके बाद क्या करेंगे परमला दीदी, बांट जाएंगे घास के लिए। तो अभी ये पानी डाल रहे, बारिश नहीं आ रही ना, एक एक पता बारिश नहीं आ रही है। तो चलो अब घर के लिए चलते हैं, और अभी हमने बनाना है लंच। तो जैसे जैसे हम घर जा रहे थे, और यहाँ देखिए कितने सारे मशरूम पड़े हैं, ये देखिए बहुत ही सारे, पूरे खेत में मशरूम मशरूम दिखे। तो इसकी ना आजकल बरसात में इतनी टेस्टी सब्जी होती है, और सारे जंगल में खेतों में ना पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं मशरूम। ये देखे कोदा के बीच कितने सारे हैं, लेने चू क्योंकि बुझ लेने बढ़ाना चलेगो वो पार। तो अभी सब सोड़ा सोड़ा गाड़, भले एक ना गाड़ी तो सफ़ेद सफ़ेद तो गाड़ दो जब गाने से अकल की टप्पो तो माँ ठिकाने नहीं है लड़की का। ये देखिए अभी छोटे छोटे मशरूम है ना, ये देखिए। तो कोई इतने बड़े बड़े मशरूम भी रहते हुए जंगलों में, अब जाएंगे ना हम जंगल तब आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए चल थोते थोते।